राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स मैच नंबर 12 खेला जाना है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और दुबई सुनकर आप भी खुश जरूर से हुए होंगे क्योंकि आईपीएल 2020 में अभी तक जितने भी सुपर ओवर्स हुए हैं यानी 2 सुपर ओवर वाले मैचेस हुए हैं और दोनों ही मैचेस दुबई के स्टेडियम में ही खेले गए हैं, तो इस मुकाबले से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी अच्छा खासा मुकाबला होगा। मैच काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अभी हाल ही में अपना आखिरी मुकाबला जीत कर आ रही है और राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने दोनों ही मुकाबले जीत चुकी है, तो अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। तो वहीं हेड टू हेड मैचेस में इनका जब आमना सामना हुआ है तो टोटल 21 बार ये टीम्स आमने सामने आई हैं और यहाँ पर भी पूरी बराबरी है, कांटे की टक्कर है। दोनों ही टीम्स ने 10-10 मैचेस जीते हैं और एक मैच नो रिजल्ट रहा था, तो काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर होने वाली है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच तो आप जानते ही हैं, दुबई में मैचेस हो रहे हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। पिच यहाँ पर न्यूट्रल है, बॉलर्स को भी मदद मिलती है यानी पेसर्स स्पिनर्स को तो मदद मिलती है, साथ ही साथ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और खास तौर पर ओपनर्स यानी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन यहाँ पर अच्छा खासा रन स्कोर करके दिखा रहे हैं। टीम चेंजेस की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में इस मैच के लिए जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, राहुल तिवातिया, रियान पराग, टॉम करन, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत, जयदेव उनादकट और जोफ्रा आर्चर खेलने वाले हैं। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुमन गिल, सुनील नरेन, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नागरकोटी रहने वाले हैं। एक चेंज यहाँ पर हो सकता है, वो हो सकता है कमलेश नागरकोटी का, क्योंकि आखिरी मैच जो खेला गया था यहाँ पर ये डेब्यू कर रहे थे और इस मैच में इन्होंने मात्र एक ही ओवर किया था। तो एक बैट्समैन को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जरूर से ला सकती है और आंद्रे रसल को और भी बॉलिंग दे सकती है। तो गाइस मैच यहाँ पर कड़ा होने वाला है क्योंकि हेड टू हेड मैचेस में पूरी तरह से बराबरी है। तो गाइज आपको क्या लगता है किस हिसाब से कौन सी टीम मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं और सभी आईपीएल अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।